नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ज्योतिष सीखे बिल्कुल फ्री पार्ट थ्री में। दोस्तों अभी हम निकालना सीख रहे हैं योग कारक और मारक ग्रह, लेकिन इसके साथ साथ ही आपको बहुत सारे योग और दोष भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि ग्रहों की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। हो सकता है कि कोई ग्रह योग कारक होते होते मारक हो जाए और हो सकता है कि कोई ग्रह मारक होते होते योग कारक हो जाए, तो इसमें भी बहुत सारे योग हैं। और आज हम इसी राज्यों की बात करेंगे, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विपरीत राज योग के बारे में। दोस्तों जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि विपरीत राजयोग मतलब विपरीत मतलब ऑपोजिट सिचुएशन में बनने वाला राजयोग, तो इसके नाम से ही यह पता चल जाता है कि यह राजयोग तो है, लेकिन यह राजयोग इतना अच्छा नहीं है जितना कि और राजयोग होते हैं। जो दूसरे राजयोग होते हैं उनमें जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, उसमें जो लाभ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और इस राजयोग में थोड़ा सा इसका डिफरेंट है डेफिनेशन भी और परिस्थितियां भी, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में बनता है। और सबसे बड़ी बात कि यह जो राजयोग है विपरीत राजयोग, यह कुंडली में बनता है 6, 8, 12, मतलब कि इसको हम बोलते हैं त्रिक भाव, जैसे कि मैंने आपको बताया था यह त्रिक भाव होते हैं, मतलब कि बुरे भाव होते हैं, कुंडली के बुरे हाउस होते हैं। तो इस घर में 6, 8, 12 में आप समझिए कि कोई भी राजयोग होगा तो क्या यह राजयोग उतना बलवान होगा, उतना अच्छा होगा, उतने अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा? नहीं, यह राजयोग इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन हाँ, इस राजयोग में एक बात है कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के बाद अच्छे रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करें कि स्टार्टिंग में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाए तो यह पॉसिबल नहीं है। इस राजयोग में थोड़ी परेशानी होती है जब यह राजयोग चलता है, या जिस ग्रह से यह राजयोग बन रहा है उस ग्रह की जब दशा अंतरदशा चलती है तब इतनी अच्छी परिस्थिति नहीं रहती है। आपकी कुंडली में भी अगर आप देखेंगे कि अगर किसी ग्रह का विपरीत राजयोग बन रहा है और वह ग्रह एक्टिव है प्रेजेंट में, तो आपकी लाइफ में अगर इतना अच्छा समय नहीं चल रहा है तो आप सोचेंगे कि विपरीत राजयोग है, फिर अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि यह राजयोग इतने अच्छे रिजल्ट शुरुआत में नहीं देगा। थोड़े से आपको संघर्ष करने पड़ेंगे, लेकिन एंड में जाकर आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इसके नियम बताऊंगी कि यह जो राजयोग है जब बनता है तो इस राजयोग के क्या क्या नियम होते हैं, वो नियम सारे बताऊंगी, फिर आप अपनी खुद की कुंडली उठाकर देख सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में यह राजयोग बन रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास कुंभ लगन की कुंडली है, 11 नंबर से जो शुरू हो रही है वह कुंडली है, शनि देव इसके स्वामी है, लग्नेशी शनि देव। तो यहाँ पर देखिए पहला नियम है कि 6, 8, 12 में यह राजयोग बनता है, इस घर में और एक इस घर में, तो 6, 8, 12 में यह राजयोग बनता है। सेकेंड रूल क्या है कि 6, 8, 12 घर का मालिक 6, 8, 12 में ही बैठ जाए, छठे आठवें और बारहवें घर का मालिक है, इसका मालिक इसमें छठे घर का मालिक कौन है, चंद्रदेव, इसमें आठवें घर का मालिक कौन है, 6 नंबर की राशि है, तो ये आठवें नंबर में 6 नंबर की राशि है, तो आठवें घर का मालिक कौन हुआ, बुधदेव, ये यहाँ बैठा है। और यहाँ पर बारहवें घर में 10 नंबर की राशि मतलब कि शनिदेव की, तो शनिदेव 12वें नंबर के ग्रह स्वामी है, तो वो कहाँ बैठे हैं, यहाँ पर। तो 6, 8, 12 का मालिक, इसका मालिक और इसका मालिक, अगर इन तीन घरों में से को इनका जो मालिक है वो 6, 8, 12 में ही बैठ जाए, दूसरे हाउस में नहीं बैठेगा, क्योंकि विपरीत राजयोग बनता है सिर्फ छठे आठवें और बारहवें घर में, तो छठे आठवें घर का मालिक छठे आठवें या बारहवें घर में ही बैठ जाए तो यह राजयोग बनता है। फिर सेकंड थर्ड अपना नियम है कि लग्नेश इसमें बलवान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लग्नेश अगर स्ट्रांग होगा तो ही यह राजयोग बनेगा, इसका सबसे बड़ा रूल यही है। क्योंकि कितनी बार गलती हो जाती है, हम समझ जाते हैं कि 6, 8, 12 का मालिक
6, 8, 12 में बैठ गया है तो विपरीत राजयोग बन गया है। नहीं, आपको यह देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह वाला नियम कि लग्नेश इसमें स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लग्नेश बलवान होना चाहिए। इसमें क्या है कि जो लग्नेश है वह अस्त नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री भी नहीं होना चाहिए और नीच का नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि किस नंबर की राशि में कौन सा ग्रह नीच का हो जाता है, कौन सा उच्च का हो जाता है। तो अस्त नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, तो यह स्थिति नहीं होनी चाहिए, तभी लग्नेश बलवान होगा। और 6, 8, 12 में भी नहीं होना चाहिए लग्नेश, तो भी यह राजयोग नहीं बनेगा कि उस कंडीशन में भी लग्नेश जो है हमारा पीड़ित हो जाएगा। तो कुल मिला के लग्नेश पीड़ित नहीं होना चाहिए तभी यह राजयोग बन पाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक कुंडली है मेरे पास, तो यहाँ पर आप देखिए कि 6, 8, 12 का मालिक, सबसे पहले आपको देखना है 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए छठे घर का मालिक कौन है, चंद्रदेव, और चंद्रदेव देखिए 8वें में बैठा है। यह इसका मालिक यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसका मालिक यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, 12वें घर का मालिक छठे में भी 8वें में भी कहीं भी हो, 3 घरों में से। तो यहाँ पर देखिए चंद्रदेव छठे घर का मालिक है और वह बैठे हैं 8वें घर में। तो पहली हमारी कंडीशन हो गई कि 6, 8, 12 घर का मालिक 6, 8, 12 में ही बैठ जाए। तो यहाँ पर ये देखिए ये कंडीशन अप्लाई हो गई है। फिर सेकेंड है कि लग्नेश बलवान होना चाहिए, लग्नेश इसमें कौन है, शनिदेव, और शनिदेव आप देखिए यहाँ पर है लाभ भाव में है, अच्छी स्थिति है। मान लीजिए कि लग्नेश की जो डिग्री है वह 15 डिग्री है, तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन है यहाँ पर लग्नेश की। तो यहाँ पर लग्नेश हमारा स्ट्रांग हो गया है, तो लग्नेश बलवान हो गया है तो यह विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो विपरीत राजयोग ये जब बनेगा तब यह किस कंडीशन में आपको यह राजयोग है वह लाभ देगा। तो यहाँ पर देखिए जब ग्रह की दशा या अंतरदशा चलेगी, तब यह राजयोग काम करेगा। तो देखिए जब चंद्रदेव की, क्योंकि देखिए राजयोग किसका बन रहा है, चंद्रदेव का, तो जब चंद्रदेव की दशा या अंतरदशा आपकी कुंडली में चलेगी या इस कुंडली में चलेगी तब यह विपरीत राजयोग बनेगा। फिर एक और नियम है कि जो लग्नेश होता है उसका विपरीत राजयोग नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है बताइए, आपकी लग्नेश का विपरीत राजयोग नहीं बनता है, इसलिए नहीं बनता है क्योंकि लग्नेश का विपरीत राज नहीं बनेगा, क्योंकि इस राजयोग में यह नियम जरूरी है कि लग्नेश बलवान होना चाहिए। देखिए ये हमारे पास कुंडली है, मान लीजिए शनिदेव यहाँ नहीं है और शनिदेव यहाँ पर 12th हाउस में है, तो हमने देख लिया कि भाई शनिदेव जो स्वयं की राशि में ही बैठे हैं, 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में ही बैठा है, तो विपरीत राजयोग बनेगा नहीं, क्योंकि लग्नेश का कभी भी विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए लग्नेश शनिदेव त्रिक भाव में आ गए हैं, तो त्रिक भाव में आने से जो लग्नेश है, लग्नेश यहां पर हो गए हैं पीड़ित। लग्नेश यहां पर हो गए हैं पीड़ित, तो लग्नेश के पीड़ित होने से यहां पर यह राजयोग नहीं बनेगा। तो इस राजयोग में आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी लग्नेश का हमें जो विपरीत राजयोग है वह नहीं बनाना है, क्योंकि लग्नेश का ही स्ट्रांग होना इसमें जरूरी है तभी यह राजयोग बन पाएगा। अगर लग्नेश जो लग्नेश है वह खुद 6, 8, 12 में बैठ गया तो वह तो लग्न दोष हो गया है, लग्नेश खुद पीड़ित हो गया है तो यह राजयोग नहीं बनेगा। देखिए एक रूल और भी है कि 6, 8, 12 में जिस ग्रह का यह विपरीत राजयोग बन रहा है उसका भी स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो भी विपरीत राजयोग तो बनेगा, नो डाउट, अगर ये सारे नियम उसमें फॉलो कर रहे हैं हम, अगर ये सारे लागू हो रहे हैं तो यह राजयोग तो बनेगा। लेकिन इस राजयोग के फल तभी मिलेंगे कि जिस ग्रह का यह राजयोग बन रहा है वह स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर चंद्रदेव है और सूर्यदेव की यहाँ पर डिग्री है 29
और यहाँ पर चंद्रदेव की हो गई 0-1। तो देखिए एक एक घर में कोई भी ग्रह 30 कदम चलता है, 30 डिग्री तक चलता है, 29 यहाँ पर सूर्यदेव चल चुके हैं, तो एक कदम और चल के नेक्स्ट हाउस में 8th हाउस में आ जाएंगे। और यहाँ पर चंद्रदेव की डिग्री 0-1 है, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, तो 2 डिग्री के डिफरेंस से यहाँ पर चंद्रदेव अस्त हो जाएंगे। तब यह विपरीत राजयोग तो बनेगा, लेकिन चंद्रदेव उस विपरीत राजयोग का आपको लाभ नहीं दे पाएंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ पर सूर्यदेव से चंद्रदेव अस्त नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो डिग्री 0-1 है, तो यहाँ पर चंद्रदेव स्ट्रांग नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है, खुद ही बलहीन है, तो ऐसी कंडीशन में भी चंद्रदेव वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे विपरीत राज्यों के, जो कि विपरीत राज्यों के रिजल्ट मिलने चाहिए। तो यह भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं इसी इस राजयोग की बात नहीं कर रही हूँ, और भी मैं आपको राजयोग बताऊंगी। तो किसी भी राजयोग में उस ग्रह का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वह ग्रह नीच नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री पावर का नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी जो ग्रह है वह काम तभी करेगा, उस राजयोग का लाभ आपको तभी देगा जब वह खुद स्ट्रांग स्थिति में होगा, अच्छी स्थिति में होगा, बलवान होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत इजी है विपरीत राजयोग को समझना, बस इतने से नियम आपको ध्यान में रखने हैं, अपनी कुंडली में लागू करने हैं, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में यह विपरीत राजयोग बन रहा है या नहीं। तो दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको कुंडली से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए व्यूअर हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।